हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ रिंकी और आज मैं आपके साथ आलू मेथी की एक बहुत ही डिलीशियस सी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं इसमें मस्टर्ड ऑयल डाल दूँगी। ये सब्ज़ी मस्टर्ड ऑयल में बहुत ही अच्छी टेस्ट करती है। तेल को हम अच्छे से गर्म होने देते हैं क्योंकि मस्टर्ड ऑयल को अच्छे से गर्म करना चाहिए। तेल अब बहुत अच्छे से गर्म हो गया है तो इसमें हम थोड़ा सा ज़ीरा, छोटे टुकड़े दालचीनी, दो मीडियम साइज़ के प्याज डाल रही हूँ मैं यहाँ पे। मैंने इनको छोटे टुकड़ों में कट किया, आप चाहे तो इनको स्लाइसेस करके भी डाल सकते हैं। इनको हल्का हल्का भून लीजिए, इसको हल्का ट्रांसपेरेंट होने तक आपको पकाना है। अब हम इसमें एक छोटा कटा टमाटर डाल देंगे, इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। दो हरी मिर्ची कटी हुई। तीखा कितना रखना है ये आप पे डिपेंड करता है। आपको अगर ज़्यादा तीखा पसंद है तो ज़्यादा मिर्ची रखिए, कम पसंद है तो कम रखिए, और नहीं पसंद तो नहीं भी डाल सकते हैं। अब मैं इसमें बारीक कटा हुआ लहसुन अदरक डाल दूँगी। इसको हल्का हल्का चलाइए। अब हम इसमें हमारे मसाले ऐड करेंगे। सबसे पहले हम इसमें एक चम्मच धनिया पाउडर, यहाँ मसाले थोड़े कम ही कम डालेंगे। एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर, ये कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर है, ये सिर्फ कलर देगी, ये तीखी नहीं होती। आधी चम्मच हल्दी, आधी चम्मच जीरा पाउडर और आधी चम्मच गरम मसाला, एक चम्मच नमक। नमक आप स्वाद के अनुसार डालिए, मैं अभी नमक एक चम्मच डाल रही हूँ, बाद में मैं इसकी मतलब इसका सीजनिंग टेस्ट करके फिर अकॉर्डिंगली डाल दूँगी। और एक चम्मच इसमें बेसन, बेसन इसकी कंसिस्टेंसी भी अच्छी रखेगा और टेस्ट भी बढ़ाएगा। ये सारा प्रोसेस आपको लो फ्लेम पे ही करना है और बेसन को अच्छे से भूनने देना है। अब आप इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करें ताकि मसाले और अच्छे से भुन जाए। तो हल्का हल्का चलाइए और इसे एक मिनट के लिए ढक के पकाइए। अब देखिए मसाला हल्का हल्का पक गया है। अब पक चुका है, इस टाइम हम इसमें हमारे आलू ऐड करेंगे। ये मैंने तीन मीडियम साइज के आलू लिए हैं। उनको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब इसे फिर से ढक के आप पकाइए फिर से। अब हम हमारे आलू चेक कर लेते हैं। हमारे आलू ऑलमोस्ट पक चुके हैं। इस स्टेज में आप इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करिए ताकि जितने भी मसाले हैं सब अच्छे से आलू में घुल मिल जाए। पानी डालने से आलू प्रॉपरली पक भी जाएंगे और सारे मसाले इसमें समा जाएंगे पैन पे। अब इसमें मैं मेरी ये ड्राई कसूरी मेथी, ये मैंने 2 घंटे पानी में फुलाई है और ये मैं इसमें ऐड कर दूंगी। ये मैंने 1 कटोरी ली है। इसे अच्छे से इसके साथ मिक्स कर लीजिए। या किसी भी सीज़न में मेथी और आलू की सब्ज़ी का मज़ा उठा सकते हैं। अब हम इसे फिर से 5 मिनट के लिए धीमी आंच पे ढक के पकाएंगे। 5 मिनट हो चुके हैं। अब हम हमारी आलू मेथी चेक कर लेते हैं। ये देखिए हमारी आलू मेथी ऑलमोस्ट रेडी हो गई है। इसको अच्छे से स्टर दीजिए।
अगर इसको आपको थोड़ा सा लटपटा रखना है तो उस हिसाब से आप इसमें पानी ऐड मत कीजिए। अगर आपको इसको थोड़ा सा हल्का सा ग्रेवी वाला रखना है तो आप इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड किया है और इसे हम 2 मिनट के लिए और पकाएंगे। 2 मिनट हो गए हैं, अब हम हमारे आलू मेथी चेक कर लेते हैं। आलू बहुत ही अच्छी तरह से पक चुके हैं, मेथी भी इसके साथ बहुत अच्छे से पक चुकी है। अब हम इसे डिश आउट करते हैं। हमारी आलू मेथी बिल्कुल रेडी हो चुकी है, लेकिन इसका एक मेन फाइनल स्टेप है इसका एक तड़का। इस तड़के को आप बिल्कुल स्किप मत कीजिए, ये स्टेप बहुत ही ज़रूरी है। तो देखते हैं वो तड़के में क्या क्या डालेगा। इस तड़के में हम हमारे घी, मैंने यहाँ एक बड़ा चम्मच 1 टेबलस्पून घी दिया है, इसको हल्का सा गर्म होने दीजिए। छोटे कटे हुए लहसुन, दो हल्की सी स्प्लिट की हुई मिर्ची। अब आप गैस की फ्लेम बंद कर दीजिए, उसको हल्का सा ठंडा होने दीजिए। लास्टली इसमें हम 1/2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च ऐड करेंगे, इसको हल्का सा मिला दीजिए और इस तड़के को आप हमारी कसूरी मेथी में ऐड करेंगे, इसे ऐड कर दीजिए। अब हमारी कसूरी मेथी, आलू मेथी, परफेक्ट आलू मेथी तैयार हो चुकी है। इसे इंजॉय कीजिए और हर सीज़न में खाइए। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।